की भी यहाँ पर याद आती है बात, वो है हमारे AMD के प्रोसेसर। बट अभी के लिए ज़ेरिफ का यहाँ पर खात्मा आप देखने को मिलता नजर आएगा, काफी अच्छी पारी फिलहाल तो अपने को मिलती नजर आएगी। तो ये थर्ड पार्टी हो सकता है प्लेसिंग डिस्गाइज बनती नजर आ जाए यहाँ पर टीम WSB के लिए। 8-bit थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा वो एडवांटेज लेने की कोशिश में लगी हुई है कि गॉड लाइक WSB के अगेंस्ट फाइट करे एंड 8-bit उस चीज का सही फायदा उठाए, बट कहीं ना कहीं जी गॉड ने माइटी को डाउन कर दिया है। माइटी यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, रेडन को स्पॉट किया जाएगा, मैडमैन भी आपस स्पॉट हो जाएंगे, 20 द लास्ट मैन स्टैंडिंग। इधर 20 के हाथों बहुत ही सारे प्लेयर्स नॉक हो सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर गॉड लाइक लेके जाएगी 8-bit को एंड साथ ही साथ WSB के प्लेयर्स को भी लेके जाएगी। 4 फिनिशेस बटोलिया पोचिंग की में रेडन अभी भी स्पॉट नहीं हुए, थोड़ा सा वो अपने आप को हाइड करके रखे हुए हैं। टीम गॉडलाइक जैसे कि मैंने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा वो एडवांटेज लेगी थर्ड पार्टी का, बट सोल नियो स्पॉट हो चुके एंड सोल नियो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलों में बढ़ सकते हैं। एस पावर जिनके हाथ में पावरफुल रेडन को भी स्पॉट करेंगे एंड फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। WSB भी 11वें पायदान पे एलिमिनेट हो जाती है। मेरे ख्याल से यहाँ से सर्वाइवल गेम प्ले खेलना चाहिए था रेडन। देखिए बाकी का मेजर पार्ट तो यहाँ पर आपके साथी ज़ेरिफ ने करके दिखा दिया था, 6 बेहतरीन फ्रैग्स उन्होंने निकाल दिए थे, बट मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एलिमिनेशन हुआ है यहाँ पर टीम 8-bit का वो तो अंदाजा है। बट अभी के लिए मोस्ट आइकॉनिक मच वेटेड फाइट टीम गॉडलाइक वर्सेस टीम सोल का भी हमें देखने को मिलता नजर आएगा। देखते हैं कि इस फाइट में क्या टीम सोल जो फुल इंफॉर्मेशन फुल इंटेल के साथ अभी के लिए दस्तक दे चुकी है यहाँ पर जी गॉड के ग्रेड से अक्षत का ओपन नॉकआउट। जी गॉड जो कोई कोशिश करेंगे फ्लैंकिंग एंगल निकालने का ट्राई जरूर करेंगे, बट इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उनको लग रहा है कि अभी भी चर्च के अराउंड पे कोई खिलाड़ी यहाँ पर हो सकते हैं। स्टर्न ग्रेड सब कुछ यहाँ पर फेंके जा रहे हैं, नियो का भी इसी बीच यहाँ पर नॉकआउट होते नजर आएगा। अभी के लिए बराबरी का सिलसिला जता हुआ नजर आएगा, लेकिन TBS के सामने से नियो को निकाल पाएगी नहीं फिलहाल के लिए, तो पूरी तरीके से एस पावर उसी TBS के ऊपर निर्भर है। और जी हाँ उस पर निकालेंगे भी जरूर, जब कॉन्फिडेंस होता है तो जी हाँ कोई गन स्विच आपको देखने को नहीं मिलता है। बट अभी भी ये चर्च की फाइट कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए इस चीज का हम यहां पर अंदाजा नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं प्रॉपर फाइट हो तो बेहतर रहेगी। कल भी यहां पर टीम सोल वर्सेस गॉडलाइक हुआ था, बट वहां पर थर्ड पार्टी के चलते पूरा पानी के पानी, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि सब कुछ तहस नहस होता हुआ नजर आता। बट अभी नियो जितना जल्दी हो सके उनके साथ ही यहां पर रिवाइवल दे तो बेहतर रहेगा। बट जोनाथन फिलहाल के लिए क्लोज रेंज के लिए जरूर जाने वाले, बट सामने चैलेंज देने के लिए हेक्टर भी यहां पर नॉकआउट पड़े हुए, तो काफी मुश्किल रहेगा। बट जोनाथन कोशिश कर रहे डिस्ट्रैक्शन की, हो सकता है कि ऊपर से ही वो डायरेक्टली स्लैमिंग करते हुए यहां पर नजर आ जाए। एस पावर का भी यहां पर साथ जरूर है, बट जितना जल्दी हो सके जी गॉड को बचा लिया तो बेहतर रहेगा। बट गॉब्लिन फुल हील होना चाहते हैं, फुल बूस्ट होना चाहते, उसके बाद ही जोनाथन शायद नीचे जंप लगाकर गॉब्लिन का अंत करने की बिल्कुल कोशिश में लगेंगे और सीधा जंप एंड फायर। बट गॉब्लिन क्या कर पाएंगे, दोनों तरफ से डिस्ट्रैक्शन है, क्या ही कमाल का एक स्मार्टनेस दिखाएगी यहां पर जोनाथन एंड एस पावर के द्वारा।